नमस्कार, प्रणाम। आज की वीडियो में हम आपके तेल के व्यापार के बारे में एक एक बात बताई कि किस तरह से कम दाम में तेल के व्यापार शुरू करेंगे, कम लागत में, कम खर्चा में किस तरह से तेल के व्यापार के स्टार्ट करेंगे और किस तरह से अपन प्रॉफिट कमाई के बाद। बिना समय गंवाए आई एक एक पॉइंट समझल जाओ। सबसे पहला चीज हम आपके बताएं तो तेल के व्यापार दो तरीके से हमारा हिसाब से कर जा सकता है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल के खुद के, और दूसरा व्हाइट लेबलिंग करके। व्हाइट लेबलिंग का मतलब भी कि सिर्फ पैकिंग मटेरियल रुआ संभाले के बाद रॉ मटेरियल रख के केहू और दी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाले के फायदा बहुत बाटे कि रुआ मार्जिन अच्छा खासा मिल जाए ओकर वेस्ट मटेरियल से भी और फिनिश्ड गुड से भी। जैसे अगर तेल निकालता नहीं तो ओकर जो वेस्ट मटेरियल बचा था खली ओके बेच के भी मार्जिन रुआ निकाल सकता नहीं, और कम से कम दाम में मार्केट में आके कंपटीटर के मात दे सकता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ये फायदा बटे, लेकिन नुकसान कितना बटे अब देखिए। ऑलरेडी बहुत सारे व्यापारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल के और अपन धंधा रन कर रहे बने, आप चाहें तो उनके सहायता ले सकता नहीं फिनिश्ड गुड लेवे में, मतलब एकदम फाइनल प्रोडक्ट लेवे में। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के कौन कौन नुकसान बाटे हमारा हिसाब से आई समझी। सबसे पहला तो आपके पास पैसा होके भी चाहिए अच्छा खासा, ताकि आप धंधा कर सकें। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाले के बाद पैसा अच्छा खासा होके चाहिए, 5 लाख 10 लाख कम से कम आपके हाथ में 10 लाख रुपया होके चाहिए ए टाइम में। जमीन अगर खुद के बाटे रोड पर, चाहे मान ली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ डालता नहीं फैक्ट्री कहीं बैक साइड में और रोड पर आपकी ज़मीन पर तो आउटलेट खोल सकता नहीं, बाकी मान ली प्लांट कहीं पर डालता नहीं तो आपकी ज़मीन होगी कि चाहिए। अगर खुद की ज़मीन नहीं है तो रेंट पर दे, तो पहला तो लाइबिलिटी वहीं पर होगी कि रेंट हर महीने जाए, माल बेचाए चाहे ना बेचाए रेंट हर महीने जाए। और पैसा हम बताओ नहीं जोन, तो पैसा अगर खुद के नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाले के बाद तो क्या करब, या तो दोस्त मित्र से ले, या तो अपन खेत बधार बाटे तो ओकरा के बेचब कि चलो भाई धंधा कर जाओ, या फिर गहना गुड़िया बाटे मेहरारू के तो ओकर बेच देब बुझाई, या फिर कर्जा लोन उठेब मार्केट से नुकसान बाटे कि ना नहीं, मतलब कबो ना कबो वो वापस करेगा बाकी ना। तो पहले ही धंधा करे से पहले ही अपने आप के टेंशन में डाल देला नू। कहे के मतलब ये कि अभी पेड़ पे फल ना लगल, पेड़ लगवे ना कहीं, और कहाँ पैसा लग गई ठेला लगावे में दुकान लगावे में बुझाई। अब मान ले कि पैसा राउर लग गई जमीन राउरे बाटे, अब तीसरा खर्चा कहाँ आ गई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे मशीनरी पे। तो हम हमारा हिसाब से सबसे सस्ता जो मशीन बाटे तेल निकाले वाला, अब छोटकी हिती को 23,000 वाली मशीन तो लेके आइबो ना, तो हमारा हिसाब से जो सबसे छोटा मशीन जो 10 लाख रुपया फंसा के जमीन अपन फंसा के और जो धंधा करता है वो कम से कम 3,40,000 के मशीन आते हैं जेनटेक इंजीनियरिंग के, नीचे हम लिंक दे देवे डिस्क्रिप्शन में ओकर वीडियो के बारे में और कंपनी के लिंक भी जहाँ से आप अप्रोच करके खरीद सकते नहीं वो मशीन। तो जेनटेक इंजीनियरिंग कंपनी है ओकर मशीन आ रहा बा 3,40,000 में, अभी के रेट आप पता कर ले फोन करके, और अभी जो 3-4 महीना पहले के जो रेट रहे हम अपन क्लाइंट के खरीदे नहीं ओकर रेट रहे 3,40,000, सबसे छोटकी मशीन जो बेच रहा बा 1,30,000 ठीक। तो कहे के मतलब कि उतना पैसा लगवाने के बाद इतना पैसा फिर से लगल, अभी अजी रुकी ना अभी और लगी समझी। तो अब एक बा प्लांट लग गई तो प्लांट लगा के तेल थोड़ी बेच लेब, रॉ मटेरियल लेब न, रॉ मटेरियल लेब सरसों के तेल निकाले के बाद तो सरसों ले जाइब मार्केट में, तिल के तेल निकाले के बाद तिल ले जाइब, मूँगफली के तेल निकाले के बाद तो मूँगफली ले जाइब, कोनो चीज निकाले के बाद तेल तो कम से कम माल लेब न, तो माल में पैसा लगी। अब 1 क्विंटल 2 क्विंटल माल आई ओमे पैसा लगी, अब ओकरा के पेराई तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ साथ कर्मचारी एगो दूगो चाहबे करी, आना तक परिवार तार बहुत बड़ बात अपन परिवार के घुसेब ये न करब। अब एक इतना खर्चा जब लग जाए और तेल अभी मार्केट में ना आई तो दिमाग पर प्रेशर कितना पड़ गई, अब दिमाग लागे हीट देवे कि अरे बाप रे बाप माल निकालो जल्दी जल्दी माल निकालो, माल किस तरह से अच्छा बनावे के बाद कस्टमर का मांगा था ओकरा के
कैसे हम मार्केटिंग करें कि कितना बेहतर बनाएं, ये सोचे कि अब दिमाग में जगह ना बची, कहे कहे कि दिमाग में कूड़ा भर, अरे बाप रे बाप इतना पैसा लग गई। लेकिन यहाँ पर भी कई लोग बने जे बहुत ही कथित तरीके से और बहुत ही लिखित तरीके से लेके चले रहे धंधा के, जे एस्टिमेट बना ले लेवा कि हमारे इतना इन्वेस्टमेंट बाटे और इतना इन्वेस्टमेंट कैला के बाद हमके इतना प्रॉफिट बाटे और इतना साल में हमारे बाटे प्रॉफिट मार्जिन होके हमार लागत निकल जाए और बाद हम कमाई, तो उस तरीके से भी चल सकेला आदमी। लेकिन एक आम आदमी जे धंधा स्टार्ट कर चाहता, जे जॉब कर रहा बा लेकिन साइड बाय साइड धंधा स्टार्ट कर चाहता, ओकरा खातिर है जे पूंजीपति बाटे वो तो कर ही ली, कुछ भी रिस्क ले ली। लेकिन एक आम आदमी जे 50,000-60,000 के नौकरी कर रहा बा, हम कहते नहीं 50,000-60,000 के नौकरी ना, जे 30,000 के नौकरी कर रहा बा वो भी कर ली, अगर थोड़ा बहुत अगर महीने महीने में बचा ले, 3-4 महीने में करके थोड़ा बहुत अगर बचा ली तो वो भी काम कर ली। तो आज हम एक आम आदमी खातिर ये तेल के व्यापार लेके आई बनी कि किस तरह से एक आम आदमी ये तेल के व्यापार शुरू कर सकेला। आशा करता नहीं आपके ये वीडियो पसंद आई। मैन्युफैक्चरिंग हम आपके समझा देनी, अब हम समझाएंगे आपके दूसरा तरीका जो बाटे व्हाइट लेबलिंग। सबसे पहला चीज आपके करावे के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी जब रजिस्टर कराई तो आपके प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर करावे के पड़ी, अन्ना तो आपके अच्छा खासा बजट बाटे, एक नहीं दो आदमी अगर मिलके स्टार्ट करते नहीं तो या तो आप पार्टनरशिप फर्म बना लें या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी रजिस्टर कराएं। पार्टनरशिप फर्म अलग हो गई, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक कंपनी हो गई, बुझे। फर्म में कंप्लायंसेस ज़्यादा ना होला, हर तरह के टैक्स ना होला, टैक्स पर टैक्स ना भरे के पड़ेगा। लेकिन कंपनी में बहुत अलग अलग तरह के टैक्स होगा, तो कंपनी और फर्म के परिभाषा बाद में समझाई, फिलहाल हमने के बात कर जाओ तेल के बारे में। तो आपके का करे के बाद हम वो बता रहा बनी, फर्म रजिस्टर करावे के बाद सोल प्रोपराइटरशिप एक ऐसा फर्म होगा जिसमें सिर्फ आप मालिक बनी, एक अकेला व्यक्ति। सोल प्रोपराइटरशिप अना तो दो व्यक्ति मिलकर कर रहा बनी जा तो पार्टनरशिप फर्म, 50-50% दोनों आदमी के हिस्सेदारी रही, चाहे नफा हो के चाहे नुकसान हो के। रजिस्टर हो गई फर्म, अब जीएसटी बनी। जीएसटी बनने के बाद फूड लाइसेंस बनी, कोई भी खाद्य सामग्री बेचे खातिर फूड लाइसेंस के बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ेला। फूड लाइसेंस बनी, अब फूड लाइसेंस बन गई, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गई तो फर्म भी हो गई, और फर्म के नाम कुछ भी ले लेनी आप। अब ओकरा बाद तेल के जोन ब्रांड बनाई वो ब्रांड के नाम ट्रेडमार्क कराई, मतलब रजिस्टर कराई, ब्रांड के एक नाम चूज करब, और चूज करे खातिर हमार सहायता ले सकत नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपन नंबर दिले बनी, ये देखिए वीडियो पर भी चलत आवत होगा नीचे में स्क्रोलर, एमें भी हम काफ़ी चीज़ बतौले बनी और नीचे हमारे नंबर भी बा। ए पे कॉल करी, हमसे पूछी कि किस तरह से नाम सेलेक्ट करे के बाद आप जो नाम चूज के लिए बनी ओकर ट्रेडमार्क अवेलेबल बा कि ना। का होला कि आपके जो दिमाग में नाम आवेला हो सकता कि पहले से रजिस्टर करा के रख ले होगे, तो आपके कुछ यूनिक नाम लेके चले के पड़ी, मतलब बिल्कुल ही ऐसा नाम जो रजिस्टर नहीं थे, तो ब्रांड रजिस्ट्री हुई। ब्रांड रजिस्ट्री होखला के बाद अब राउर एक ब्रांड तेल बेचे खातिर तैयार बटे। अब आवता बात फिनिश्ड गुड खातिर, रॉ मटेरियल ना, फिनिश्ड गुड। रॉ मटेरियल का हो गए सरसों के बीज, तिली के बीज, अलसी के बीज, मूंगफली के बीज, सूरजमुखी के बीज, नारियल के कोपरा, कोपरागिरी जोन होगा जोन से तेल निकलेगा, ये सब रॉ मटेरियल हो गए। फिनिश्ड गुड का भाई सरसों के तेल, तिली के तेल, मूंगफली के तेल, सूरजमुखी के तेल इत्यादि इत्यादि जोन भी तेल बाटे, नारियल के तेल बुझे, सोयाबीन के तेल इत्यादि है, ये भाई फिनिश गुड। अब ये फिनिश गुड आपके लेवे के बाद रॉ मटेरियल के लेवे के फिनिश गुड मार्केट में ऐसा व्यक्ति के पता करी जे शुद्ध तेल दे दो के। शुद्ध तेल का है हम कहते नहीं, कहे कि जो मार्केट में तेल मिलेला डिब्बा में पैक करके 195 रुपया, 185 रुपया, 165 रुपया, वो शुद्ध तेल ना है, उसमें 40% तक पाम ऑयल मिलावल बा। पाम ऑयल मिलावल बा कहे कि ओकर रेट जोन बाटे ओकरा के कम कर जा सके। जोन शुद्ध तेल होला ओकर रेट बहुत ही ज़्यादा होला, और शुद्ध तेल में
पाम ऑयल मिला के ओकर रेट के कम कर जाला ताकि आम व्यक्ति तक तेल पहुंचाई जा सके और गवर्नमेंट के तरफ से भी कुछ हद तक छूट बाटे और कुछ हद तक परमिशन बाटे कि हमें मिलावट कर जा सकता, ब्लेंडिंग कह जाला करके, ब्लेंडिंग कर जा सकता। जब दू गो तीन गो चीज एक साथ मिला के ओकर के कुछ नया चीज बनावल जाला तो ब्लेंडिंग कह जाला, ठीक ना। तो ऑयल ब्लेंडिंग कर जा सकता कुछ हद तक गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन बाटे। अब रउआ शुद्ध तेल के पता करे के बा कि कहाँ पर शुद्ध तेल मिल रहा बा। शुद्ध तेल हम ऐसे कहते नहीं, कहें कि एमे कंपटीशन कम बा। 185 रुपये वाला तेल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बा, तो वो में एंटर नहीं करे के वो सेगमेंट में। शुद्ध तेल वाला कैटेगरी में जाए के बा कहें कंपटीशन बहुत कम बा, मार ना खाई और ब्रांड पिटाई ना, फिनिश गुड आ गई। अब चाहे वो आप मूँगफली के तेल ली, सरसों के तेल ली, सूर्यमुखी के तेल ली, तिली के तेल ली, चाहे अलसी के तेल ली, चाहे नारियल के तेल ली, बादाम के तेल ली, कुछ भी ली, फिनिश्ड गुड ले लेनी। अब रहुआ पता लगावे के बाद कि पैकेजिंग मटेरियल कहाँ सस्ता मिली, तो पता का लगावे के बाद हम बैठल भाई नू हम रहुआ के प्रोवाइड कराए पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल में बोतल आई तेल के, लेबल आई, स्टीकर। तो एगो तो बोतलवा होला जौन तेलवा वाला मिलेला सस्ता का 165 रुपया वाला कचकड़वा वाला, ऐसे दबा दबा पर पिच देना पिछक जाला। आ एक बोतल होला जोन की थोड़ा महंगा होला, जैसे कि हई बाटे, हई देखी कितना अच्छा लगा, एक हमारा भी हई हो बाटे कितना अच्छा लग रहा। आ एगो हई हो बाटे देखिए एकदम दारू के बोतल की तरह लगता लगता न। अब एक ऊपर जब लेबल लगेला न तो एकदम प्योर दारू के बोतल लगेला, बुझाला कि केहू खर्रा पी रहा। अब जौन ई बाटे बोतल के तो हम बता देनी, देखिए एगो ई हो बाटे 200 ml के, 100 ml के भी मिल जाए, 200 ml के भी मिल जाए। तो बोतल के बारे में तो हम लोगों के बता देनी। आप अगर हमरा से निकल लिए चाहत तो इंडिया मार्ट एगो वेबसाइट बाटे, इंडिया मार्ट देखिए ना नीचे डिस्क्रिप्शन में हम देखी हमें देले बनी। इंडिया मार्ट में जाए ना तो उसके बाद सर्च करे के ऑप्शन होला, आप सर्च कर सकते नहीं ऑयल पैकेजिंग बॉटल्स, ठीक। ऑयल पैकेजिंग बॉटल करके सर्च करी तो उसके बाद सजेशन में आई अलग अलग व्यापारी के बारे में। तो आप हर व्यापारी के मैसेज करके चाहे कॉल करके पता लगा सकतनी और वहाँ से मंगा सकतनी, ये सब कुछ कर सकतनी। लेकिन यहाँ पर आपके दिक्कत आई, कहें कि आप कोई भी चीज़ पहली बार शुरू कर रहा बनी तो आप ये मार्केट में ना एक MOQ नाम के चीज़ होगा, मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी। तो आप कहीं एक कस्टमर हैं उनकरा खातिर, एक कस्टमर हैं जो कस्टमर बोतल के खोज में उजवा गई बा व्यापारी के पास, तो व्यापारी ना आपके MOQ के बात बोली कि सर हमारा MOQ इतना है, आप इससे कम ऑर्डर नहीं ले सकते हैं, हम पहुंचा भी नहीं पाएंगे। कहें कि एजुआ देखिए ओकर भी गलती नहीं है, एजुआ लॉजिस्टिक्स के बात होला, यही से थोड़ा सा MOQ के सीम पड़ जाला। लेकिन हमारा से अगर बोतल लेता नहीं तो MOQ के झंझट ना पड़ी, कहें कि हमारे गोदाम में ऑलरेडी बहुत सारा बोतल पड़ल बा, हम ऑलरेडी व्यापारी सबके बेचत रही ना, हमार संपर्क बाटे अलग अलग मैन्युफैक्चरर से जहाँ से हम माल मंगाई ना और माल यहाँ से खुदरा में हम बेची ना। तो आप हमसे ऑर्डर करके मंगा सकते नहीं अपने घर पे बैठल, हम आपके कम से कम 100 बोतल प्रोवाइड करा दे। 100 बोतल नहीं भी आएगा कि चाहिए 50 बोतल चाहिए तो हम आपके 50 बोतल भी प्रोवाइड करा दे, ठीक। 50 बोतल आपके कर ही के पड़ी ऑर्डर, कहें कि उससे कम हम आपकी चाहम ना कि आप शुरुआत करी। 1 लीटर 2 लीटर तेल लेके बेच के बिजनेस ना होगा, कम से कम 50 लीटर तेल की आप अनुमान लेके चलिए। अब बोतल प्रोवाइड करा दे, ओकरा ऊपर लगेला लेबल, तो लेबल जो बाटे हम आपके लेबल भी प्रोवाइड करा दे। ए पर जो स्टीकर लगेगा, स्टीकर भी आपके कम से कम 100 स्टीकर 200 स्टीकर इस तरह से ऑर्डर करने की पड़ी, 100 स्टीकर से कम स्टीकर बने लाना। एक्चुअली कहा होगा कि देखिए छपवाए जाए ना हम तो लगेबे ना करी, 20x30 के सीट होगा, 18x25 के सीट होगा, उस सीट पर अब आपके स्टीकर जो कटी ओकरा हिसाब से प्रिंटिंग होला, तो कम से कम 10 सीट 15 सीट तो जेबे करी, बुझाई। तो कुल मिला के पैकेजिंग के मटेरियल रहो तैयार हो गई, पैकेजिंग मटेरियल तैयार हो गई, अब फिनिश्ड गुड आ गए बोतल में भर दी। तो कुल मिला के अब जोन बटे राउंड मटेरियल तैयार हो गई, लेबल लग गई, अब एकरा के बेचे के बाद कहाँ कहाँ बेचे के बाद भाई, दो जगह बेच सकें ना, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन बेचे जाए तो इतना महंगा तेल के खाई ना, कहें कि राउंड फिनिश्ड गुड जोन बटे उका बटे बहुत प्योर बटे, और प्योर भेला के का बटे आपके महंगा मिलल बा, महंगा मिलल बा ओकरा पर महंगा बोतल लगे बनी, महंगा बोतल लगा के ओकरा के महंगा लेबल लगा ले बनी, इतना महंगा केहू ऑफलाइन में ना ली, कहाँ ली ऑनलाइन ली, हमार बात मानी।
ऑनलाइन अमेजोन पे, अमेजोन बटे अमेजोन पे बेच सकी ना और फ्लिपकार्ट पे बेच सकी ना अपन बोतल के। अमेजोन पर कैसे बेचे कि वो बतौले बनी पूरा डिटेल में, तो अभी बता के हम समय बर्बाद ना करब। अब आई गुणा गणित पे, थोड़ा सा आपको गुणा गणित समझा दें कि हमें कितना खर्चा आई कम से कम। तो आई शुरू कर लिया गुणा गणित। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराई, मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 3000 रुपये चल रहा बा कम से कम, है ना, तो सस्ता कहीं पहुँच जाए तो घपला मार दी और सस्ता में दे दी। मान ली 2000 में करके तैयार होती, लेकिन सस्ता के चक्कर में आपको कोई नुकसान कर दी, ठीक ना। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो बटे हम आपके करवा दे 1499 रुपये में, 1499 रुपये में हम आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा दे, प्रोप्राइटरशिप भी रजिस्टर करा दे, फॉर्म और जीएसटी बनवा के हम 1499 रुपये में देव आपके। जन में देरी लगेगा कम से कम एक हफ्ता के, एक हफ्ता कम से कम आपके लगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। ओकरा बाद आई फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस जन बटे 100 रुपये से 7500 तक के फूड लाइसेंस बाटे, गवर्नमेंट के साइट पे जाके आप खुद देख सकते नहीं। और वो फूड लाइसेंस के 7500 के लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। अभी रुआ ट्रेडिंग के लाइसेंस ले, और ट्रेडिंग के लाइसेंस हम रुआ के दिला दे 1299 रुपये में 5 साल खातिर। 5 साल तक खातिर आपके फूड लाइसेंस हम दिलवाई 1299 रुपये में। अब जो बटे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के सीए जन बटे चार्ज कर दे सन 13000 तक चार्ज कर दे सन। 13000 देने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रांड रजिस्ट्री के जो दाम बाटे गवर्नमेंट के, वो बाटे 4500 रुपया गवर्नमेंट के साइड पर, लेकिन जो सीए बाटे वो बहुत पैसा लगा के सीए बनल बा, तो कुल मिला के वो थोड़ा बहुत पैसा लेबे करी। तो कई लोग 5000 रुपया ले लेवेला, कई लोग 4000 रुपया ले लेके काम चला लेला, कई लोग 8000 लेवेला, कई लोग 10000 लेवेला। हम लेकिन 5000 रुपया ली ना, मतलब हम आपके 9500 रुपया में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा के दे दें। और अगर तीनों सर्विस आप लेते नहीं तो ए में भी तीनों में मिला के हम 1000 रुपये की गुंजाइश करवा दें। अब जन बटे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं खे लेबे के, फिनिश्ड गुड लेबे के बाद बतौले रही। फिनिश्ड गुड आपके तिली के तेल ही, तिली के तेल रुआ के 360 रुपये लीटर में हम प्रोवाइड करा सके ना रुआ के 360 रुपये लीटर। बाकी ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज रुआ खुद देवे के पड़ी, आप जहाँ से भी पानी हमसे ऑर्डर करी हम आपके घर भेजवा दे। तिली के तेल, मूँगफली के तेल 260 रुपये लीटर हम रुआ के घर उठे पहुँचवा दे। जो हम रेट बता रहा था नहीं, ये रेट अभी के टाइम में बाटे, आप भी जानते नहीं कि रेट डिपेंड कर रहा मार्केट के रेट पे। मार्केट में रॉ मटेरियल के रेट बढ़ी तो ये रेट बढ़ी, मार्केट में रॉ मटेरियल के रेट घटी तो ये रेट घटी। सरसों के तेल 235 रुपये लीटर हम शुद्ध तेल प्रोवाइड कराए, ओकरा के जाके चेक करा ली लेबोरेटरी में। हम इतना कम दाम में ऐसे प्रोवाइड कराते कहें कि हमारा भाई व्यापारी बने जे ऑलरेडी हमारा संगे जुड़ल बने, कहें कि हम अपना क्लाइंट सबके भी प्रोवाइड करावत रही। तीसी के तेल, तीसी के तेल हम आपके 310 रुपया पर लीटर में पहुंचा दे। कोकोनट नारियल तेल 550 रुपया पर लीटर हम आपके शुद्ध नारियल तेल दे। अब ये सब तो हो गए, अब बात आई बोतल की प्राइस। बोतल के जो प्राइस बटे भाई, जो अलग अलग तरह के रुपये के बोतल दिखाने ये सब जो बोतल बटे, और एक ओहला कचकड़वा के बोतल बा जौन फॉर्चून अलग अलग जौन इस्तेमाल करता सन, पतंजलि फॉर्चून हो गई, ये जौन धारा बाटे इंजन बाटे, ये अलग अलग जौन कंपनी इस्तेमाल कर रहा बा बोतल बा, ये सब बोतल बा थोड़ा सस्ता मिले, लेकिन हम जौन कहीं कहीं महंगा बाटे। तो बोतल के दाम जो बाटे 5 रुपये से लेकर 25 रुपये तक के बोतल बाटे। लेबल के दाम आपके बताई तो लेबल के दाम भी 2 रुपया 3 रुपया से लेके 17 रुपया तक के लेवल बाटे, 17 रुपया तक के लेवल। अब ओकरा के बेचे के बाटे, बेचे खातिर क्या करे के बाद अमेजोन पर जाई, बेचे खातिर रजिस्ट्रेशन हो जाई। रजिस्ट्रेशन भेजा के बाद अगर फुलफिलमेंट बाई अमेजोन वाला ऑप्शन चूज करते नहीं, बता दे नहीं वीडियो में फुलफिलमेंट बाई अमेजोन का वाला FBA, तो फुलफिलमेंट बाई अमेजोन अगर लेता नहीं तो वेयर हाउस में माल रखवाई। अब वेयर हाउस में माल रखवाई तो वेयर हाउस के चार्ज देवे के पड़ी, और हमारा हिसाब से आप 10 लीटर तेल वहां पर रखवाई कम से कम, 10 लीटर सरसों, 10 लीटर तिल्ली, 10 लीटर मूंगफली, जौन भी तेल बेच रहा बनी, जौन भी आइटम बेच रहा बनी, 10-10 लीटर कम से कम 10-10 यूनिट जौन बटे वो जिक्र रखवाए। तो उतना के जौन चार्ज आई महीना में वो 300 रुपया के आसपास आई हमारे FBA में यहाँ पर राजस्थान में। अब बाकी बिहार के जौन FBA बटे पटना में ओकर हमके चार्ज मालूम दिखे, अभी हम जाए वाला बनी पटना तो ओकर भी वीडियो हम लेके आई FBA के, वहाँ पर जाके बात हुई, जब भी जाए तो वहाँ पर एक वीडियो जरूर बनाई और चार्जेस के बारे में भी बताई डिटेल में। तो 300 के आसपास चार्ज लगी महीना में, तो ये टोटल खर्चा जो आगे रुआ के 45 रुपये अमेजोन ली अपन टैक्स रेफरल चार्ज, टैक्स फीस और ओकरा ऊपर 3-4 तरह के चार्ज लगे अमेजोन के, वो सब मिला के 45 रुपये ली, और शिपिंग चार्ज ली 85 रुपया, नेशनल शिपिंग चार्ज
₹85 बाटे तो हमने सन शिपिंग चार्ज लेके चले ना 25% अप सेल लेके चले दे, मतलब जौन टोटल दाम आ गई वो दाम में 25% बढ़ा के दाम और रख ली ताकि राउर जौन नुकसान और भरपाई जौन बटे उनमें से होत रहे। अब ओकरा ऊपर राउर मार्जिन लगी, मार्जिन आपके हिसाब से जितना राउर सेट करे के बाद सेट कर ले, लेकिन दाम ज़्यादा ना होके चाहिए। मार्जिन के बाद GST 18% GST जौन बटे लगा के वो राउर फाइनल रेट आ जाए। MRP रो जौन बाटे रउर आ गई, जौन हुई वो MRP हो जाए। अब MRP के बाद रउआ सेल प्राइस जौन बाटे निकाल सकी ना, अब चाहे तो ओकरा से कम कर दी, चाहे जौन मार्जिन आप कम लगवा दे बनी मार्जिन के बढ़ा के MRP ज़्यादा कर दी और फिर सेल प्राइस कम कर दी। MRP जौन बन गई ओकरा बाद कुछ परसेंट घटा के सेल प्राइस बना दी। सेल प्राइस वो प्राइस होला जौना रेट पे कस्टमर खरीदेला। तो ये एक वीडियो हम रउआ के लेके आई बनी तेल के बारे में। आप चाहें तो आराम से कुछ पैसा बचा के हर महीने ये धंधा के कर सकते नहीं साइड बाय साइड, और जब आपके लगे कि धंधा धीरे 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 ग्रो हो रहा बा तो आप आराम से अपन नौकरी छोड़ के धंधा शुरू कर सकते नहीं। हम यह सब वीडियो के माध्यम से चाहत नहीं कि बिहार के हर घर में एक व्यवसायिक आदमी होके अपन खुद के जब व्यवसाय हुई तो दूसरा के दर दर में भटके के ना पड़ी। हमने के जौन बिहार के प्रचलन बाटे यूपी के प्रचलन बाटे देखी होला हर स्टेट में, लेकिन बिहार यूपी के ज़्यादा माना जाला। कहें कहें कि एजा लोग ये सोचला कि चल नौकरी कर ला, चल नौकरी करके तो 10,000-20,000 रुपया महीना में कमा ला। तो आबादी बहुत ज़्यादा बा ना अपन प्रदेश के, तो ये आबादी की वजह से लोग नौकरी पैसा में ज़्यादा जाला, व्यापार कम कर जाला, डेरा ला कि अरे यार कहीं पैसा लगाने डूब गई। देखिए जब तक रिस्क ना ले तब तक कुछ ना हो। तो हम यही से आप ही सबके मोटिवेट करे खातिर, आप ही सबके बूस्टअप करे खातिर हम कहे के मतलब ही कि आप कभी भी कुछ भी शुरू कर सकते नहीं। उम्र 22 साल के मतलब नहीं है, आप 65 साल के मानी ना तो आप धंधा शुरुआत कर सकते नहीं। बस आपके अंदर वो हुनर होगी चाहिए, आपके अंदर जान होगी चाहिए और आपके अंदर करे के क्षमता चाहिए, हिम्मत चाहिए, निधड़ बेधड़ बुझाई। तो आप सब खातिर हमेशा ऐसा मोटिवेटिंग वीडियो हम लेके आई आवत रह। आगे हम इंटरव्यूज भी लेके आएगा अपने क्लाइंट सबके कि किस तरह से वो अच्छी तरीके से अपन व्यापार कर रहे बने। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करी, ओकर साथे जरूर शेयर करी जे कुछ अपन शुरू कर चाहता। हमारे चैनल पे नया बनी तो एक सब्सक्राइब करी और बेल आइकन दबाई चाहें कि उससे अपन अगला वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिले जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी।